देश को झकझोर देने वाली दिल्ली के दंगे में कुल 41 लोगों की गई जान। दंगे पर अब पाया गया काबू। पिछले 3 दिनों से हिंसा की कोई वारदात नहीं। दिल्ली दंगे में अब तक 167 FIR दर्ज। आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई 36 केस। दिल्ली दंगे में अब तक हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 885 पहुंची। दिल्ली दंगा केस में पुलिस ने सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट को लेकर भी कसा शिकंजा। 13 केस दर्ज। दिल्ली में दंगा से जुड़े 12 मामलों में SIT ने साइबर सेल से मांगी मदद। उपद्रवियों की पहचान के लिए CCTV के खराब क्वालिटी वाले विजुअल सौंपे गए। दिल्ली दंगा केस में फरार पार्षद ताहिर हुसैन की तलाश में जुटी है दिल्ली पुलिस। ताहिर के पुश्तैनी घर अमरोहा भी पहुंची पुलिस। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर अंकित शर्मा की हत्या के केस में है गंभीर आरोप। परिजनों के मुताबिक ताहिर के इशारे पर हुई अंकित की हत्या। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर पुलिस तैनात। इसे घर की छत से पथराव और पेट्रोल बम फेंकने का वीडियो हुआ था वायरल। दंगे के दौरान दिल्ली की पुलिस की कार्यशैली पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। मौजपुर में 26 तारीख तक गली में घुसे दंगाइयों की तस्वीरें CCTV में कैद। 26 फरवरी को मौजपुर में कर्फ्यू के बीच दंगाइयों के हाथ में दिखे हथियार। खुलेआम हथियार लिए दिखा एक शख्स। 25 फरवरी को भी इलाके में लगाया गया था कर्फ्यू। दिल्ली में दहला देने वाले दंगे के बीच दिखी भविष्य की कुछ उम्मीदें। देश के लिए हीरो बनकर उभरे कुछ अमन के दूत। करावल नगर में 2 हिंदुओं ने बचाई एक मुस्लिम की जान। करावल नगर इलाके में कुछ दंगाइयों ने किया था मुजीबुर रहमान नाम के शख्स पर हमला। 2 संजीव और पड़ोसी मंजू देवी ने बचाई उसकी जान। संजीव और मंजू देवी ने दंगे के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला को भी बचाया। लेबर पेन होने पर हिंसा के बीच सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली में दंगे के दौरान 26 फरवरी को करतार नगर इलाके में 27 साल के इरशाद ने गवाई जान। परिजनों का आरोप मोहल्ले के ही शख्स ने की इरशाद की हत्या। इरशाद के 5 और 2.5 साल के बच्चों को भोगना पड़ा है दंगे का दंश। खेलने की उम्र में सिर से गवा बैठे पिता का साया। दंगे के बीच करावल नगर में हिंदुओं ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में मुसलमानों ने पेश की मिसाल। दंगा भड़कने पर 5 दिनों तक एक मंदिर की रक्षा करते रहे। मुस्तफाबाद के एक हिस्से में 60 मुस्लिम घरों के बीच बने हैं 13 हिंदुओं के मकान। दंगे के दौरान हिंदू मुसलमान दोनों ने मानव श्रृंखला बनाकर दंगाइयों को करीब आने से रोका। दिल्ली में दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में दंगाइयों ने जला दिया BSF कांस्टेबल मोहम्मद अनीस का घर। उड़ीसा में नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात है अनीस। दंगाइयों ने इस गली में BSF कांस्टेबल अनीस समेत कुल 9 आशियाने जलाए। ठीक करके इनको वापस दे देंगे और इनको फाइनेंशियली भी मदद हम करेंगे। बहुत ही जल्दी हम इस मकान को ठीक करके इनको वापस दे देंगे और इनको फाइनेंशियली भी मदद हम करेंगे। दंगा प्रभावित इलाके में CBSE के परीक्षार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित। कुछ छात्रों के हिंसा की वजह से छूटे थे पेपर। दंगा के बाद दिल्ली सरकार और CBSE ने प्रभावित इलाके में परीक्षा रद्द करने का लिया था फैसला। पहले जिनके पेपर छूटे उन्हें सता रही फिक्र। CBSE के मुताबिक दंगा प्रभावित इलाके के स्कूलों में प्रिंसिपल से मांगा गया परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों का ब्यौरा ताकि उनके भविष्य पर किया जा सके सही निर्णय। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाके में 7 मार्च तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कल यानी कि 2 मार्च से होगी CBSE की परीक्षा। दिल्ली हाईकोर्ट में बोर्ड ने दिया हलफनामा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को दिया निर्देश। हिंसा प्रभावित इलाके में परीक्षा के लिए मुहैया कराई जाए पर्याप्त सुरक्षा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का प्रभार संभालने के बाद बोले वरिष्ठ IPS SN श्रीवास्तव। शांति बहाली और गुनहगारों की गिरफ्तारी पहला लक्ष्य। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके का लिया जायजा। पीड़ितों से की मुलाकात। सही मुआवजा दिलाने की कवायद। रेखा शर्मा के मुताबिक पिछले 2 दिनों से हिंसा प्रभावित इलाके में महिलाओं के बीच काम कर रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। दिल्ली दंगे पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने जताई गहरी आशंका। कहा यह पता लगाना चाहिए कि क्या हिंसा से निपटने में दिल्ली पुलिस असक्षम है या फिर सरकार के प्रयासों में थी कमी। जस्टिस मुरलीधर के तबादले का भी अमर्त्य सेन ने उठाया मुद्दा। कहा इस पर सवाल उठना लाजमी। चेन्नई में शाहीन बाग की तर्ज पर जारी CA के विरोध प्रदर्शन की पीठ दिखा सांप्रदायिक सौहार्द। मुस्लिम महिलाओं ने हिंदी महिला भाग्य लक्ष्मी की गोद भराई की रस्म निभाई। गुजरात के पादरा उमराया और लूना गांव के दौरे पर गए थे आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार गुप्ता को जनता के विरोध का करना पड़ा सामना। एक शख्स ने दिल्ली हिंसा में पार्षद ताहिर हुसैन पर किया सवाल। सभी निवासियों को हिंदू मुसलमानों में तुम्हें एक बात नहीं मैं
आपको आपके बात का जवाब देता हूँ। नहीं आता दिल्ली में कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। सुशील गुप्ता को जवाब के दौरान टोकने पर सवाल करने वाले और आपके समर्थक में हुई बहस, दोनों ने एक दूसरे पर देश को हिंदू मुसलमान की सियासत में बांटने का लगाया आरोप। आज कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, सीए पर दूर करेंगे जनता का भ्रम, दोपहर 2:30 बजे होगी रैली। कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में होगी अमित शाह की सभा, पश्चिम बंगाल बीजेपी मंच पर ही नागरिकता कानून लाने के लिए शाह का करेंगे स्वागत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। रैली से पहले सुबह 11:30 बजे अमित शाह कोलकाता में एनएसजी की नई इमारत का करेंगे उद्घाटन। शाम 4 बजे कालीघाट मंदिर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, देवी से करेंगे दर्शन। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का लगाया आरोप, जनता के पैसे सीए के खिलाफ विज्ञापन करने का आरोप, राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने मांगी जानकारी। दिल्ली में शाहीन बाग से महज 2 किलोमीटर दूर गुर्जर बहुल इलाके में लोगों ने पेश की इंसानियत की मिसाल, मुस्लिम के दिल से निकाला खौफ, समझाकर रोका उनका पलायन। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ का आरोप, दिल्ली में कांग्रेस के भड़काने से हुआ दंगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजकुमार रिणवा की सीए और एनआरसी पर दिखी पार्टी से जुदा राय, कहा कुछ लोग देश में रहकर देश के खिलाफ अपनी सासों से फैला रहे जहर। देश में नहीं थम रहा नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन, लुधियाना में सड़कों पर उतरे लोग। योगी सरकार में मंत्री अशोक कटारिया ने लखीमपुर में बैठक के दौरान दिखाई गांधीगिरी, अफसरों से लगवाया नारा, हम जनता के सेवक हैं और जनता हमारी मालिक है। आज नोएडा आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कानून व्यवस्था का लेंगे जायजा। नोएडा में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद सीएम योगी का पहला दौरा, कमिश्नर दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। निर्भया के दोषियों की फांसी से बचाव की तरकीबें जारी, दोषी अक्षय ने फांसी से बचने के लिए राष्ट्रपति के पास नई दया याचिका दी, अक्षय ने कोर्ट से 3 मार्च तक डेथ वारंट पर अमल करने से रोक की मांग की। अक्षय ने राष्ट्रपति को दी नई दया याचिका में दिया हवाला, पहले की दया याचिका में नहीं पेश कर सका था सारे कागजात। निर्भया के एक और दोषी पवन की क्यूरेटिव पिटीशन पर कल होगी सुनवाई। गांधी मैदान में आज है जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन, इसे सफल बनाने के लिए जेडीयू को हिमाचल के कुफरी में फिर मौसम का बदला मिजाज, हुई मूसलाधार बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने मनाया गोल्डन जुबली जश्न, बैन की शानदार तस्वीरें आई सामने। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पुलिस और एसडीआरएफ का साझा अभ्यास, आग पर फौरन काबू पाने के सीखे गुर। कल दिल्ली में अचानक बदला मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश। हवाई उड़ानों पर दिल्ली के खराब मौसम का असर, 14 उड़ानें लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद और अमृतसर करी पड़ी डायवर्ट। चंडीगढ़ में भी कल तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, पटियाला, संगरूर, बठिंडा में गिरे ओले। हिमाचल में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, कुफरी, नरकंडा में गिरे ओले। बर्फ की सफेद चादर से ढका सोलन, तापमान में आई भारी गिरावट। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी, सैलानियों की खूब मौज मस्ती। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में भी भारी बर्फबारी, हर तरफ बर्फी बर्फ। ट्रेन के अंदर कबूतर की उड़ान से पैसेंजर परेशान, जयपुर की गो एयर फ्लाइट में दिखा कबूतर। रामेश्वरम में पकड़े गए श्रीलंका के 5 मछुआरे, भारतीय समुद्री इलाके में फाइबर बोट से घुसे। रामेश्वरम में शुरू हुआ पक्षियों की गिनती, मानसून में बाहर से आते हैं 25,000 से ज्यादा पक्षी। गाजियाबाद में हाईवे 9 पर हुआ बड़ा गड्ढा, बस और ट्रक फंसी, मुश्किल से निकाला जा सका। यूपी के सहारनपुर में पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पलटी जीप, गाइड समेत 4 पर्यटक घायल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 3 नाबालिगों ने मामूली विवाद में की चाचा की हत्या, आरोपियों में ने नाबालिग भाई के साथ 2 नाबालिग बहनें शामिल। महिलाओं को स्वास्थ्य की जागरूकता के सीख के दौरान बरेली के एक एनजीओ ने बनाया लिम्का बुक रिकॉर्ड, 22 फीट लंबा पैड बनाकर अपने मिशन को दिया बढ़ावा। मुंबई में शिवाजी नगर पुलिस थाने से फरार हुए कैदी को नहीं मिल सकी ज्यादा मोहलत, पुलिस ने जल्द ही फिर किया गिरफ्तार। असम के सिलचर में आग लगने से हुए हादसे में 3 साल की मासूम की मौत, एक मकान की 4th मंजिल पर लगी थी आग।
बरेली में 3 तलाक पीड़िता और आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने किया हंगामा, पति दूसरी शादी की दावत में धरने पर बैठी निदा। यूपी के महाराजगंज में पोस्टमार्टम में भी अवैध वसूली का आरोप, 200 रुपए से लेकर 6 बोतल शराब की चलती है रिश्वत। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। यूपी के संत कबीर नगर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर फायरिंग, ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। हाथरस में दबंग लोगों ने बारातियों पर किया हमला, जान बचाकर भागे बारातियां। मेरठ में प्रेम प्रसंग के चलते भाई पर बहन की गला रेतकर हत्या करने का आरोप, आरोपी हत्यारा भाई गिरफ्तार। कानपुर में शराब के ठेके पर पीने को लेकर मारपीट, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में जीआरपी ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार, लाखों का माल बर्बाद। सोनभद्र में एक खदान में हादसा, 1 मजदूर का मिला शव, 4 से 5 लापता। मसूरी में 2 गुटों में झड़प, 144 करोड़ की मसूरी पेयजल योजना के तहत भूमि पूजन के दौरान बढ़ा विवाद। देहरादून में बेरोजगारों का प्रदर्शन, युवाओं ने मोदी पकौड़े टी स्टॉल लगाकर सरकार के खिलाफ उठाई आवाज। भरतपुर में युवकों के 2 गुटों में फायरिंग, 1 युवक की गोली लगने से मौत। ग्वालियर में रेलवे कर्मचारी ने की आत्महत्या, 1 दिन बाद ही होने वाला था रिटायर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक महिला ने 6 बच्चों को दिया जन्म, कम वजन की वजह से 2 नवजात की गई जान। उधम सिंह नगर में जश्न में फायरिंग के बाद खूनी संघर्ष, घायल शख्स को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बुलंदशहर में एक महिला की हत्या के बाद शव को जलाया गया, फॉरेंसिक जांच के बाद किया गया दाह संस्कार। झांसी में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में एक युवक की जली हुई मिली लाश, मृतक फैक्ट्री का गार्ड। सूरत में बस में लगी आग, सभी मुसाफिरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले ही दिन टीम इंडिया मुश्किल में, 242 रन पर सिमटी पहली पारी। न्यूजीलैंड की पहली पारी लड़खड़ाई, 7 विकेट खोकर पार किया 150 का आंकड़ा। पहली पारी में भारत की तरफ से हनुमा विहारी ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 55 रन पर हुए वैगनर के शिकार। पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा ने भी ठोके 50-50, दोनों ने बनाए 54-54 रन। विराट कोहली फिर फ्लॉप, 3 रन पर पवेलियन लौटे। मयंक अग्रवाल और राह ने 7-7 रन बनाकर आउट, निचले क्रम में शमी ने 12 गेंदों पर बनाए 16 रन।